हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। हम आज हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस ईयर को मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है, तो आज हम इसी रिलेटेड कुछ बनाने वाले हैं। आज हम रागी की एक रेसिपी लेंगे और साथ में एपेटाइजर ब्रुशेटा हम लेंगे। तो आइए देख लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। मैं पूर्णा सा नडियाद गुजरात से बोल रही हूँ और अमूल के लाइव पेज पर आ रही हूँ और आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। तो आइए रेसिपी के रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये रागी है, इसे हिंदी में मंडुआ या इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोला जाता है। इसके सिवाय हमें सीजनिंग में ये ब्लैक पेपर का पाउडर लेंगे हम, चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक, सॉल्ट, लेमन जूस लेंगे और ये सब वेजिटेबल्स लेंगे। इसमें मैंने ब्रोकली ली है, बेबी कॉर्न लिया है, ये बीन्स लिया हुआ है, चॉप्ड अनियन है, ये ग्रीन गार्लिक है और ये ग्रीन अनियन है। इसके अलावा आप कुछ भी एक्जोटिक वेजिटेबल या आपको अच्छा लगता हो ये वेजिटेबल आप ले सकते हो। और इसके साथ हम अमूल बटर लेंगे। अमूल बटर के साथ हम ये रेसिपी कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें हम ये ग्रीन चिली सॉस लेंगे। पहले हम थोड़ा सा बटर लेते हैं, इसमें अनियन को सौते कर लेते हैं। दो टेबलस्पून मैंने ये अनियन ली है, या आप एक मीडियम साइज की अनियन को चॉप करके ले सकते हो। कुक होने तक इसे हमें करना है, बहुत ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। तब तक हम ये कुछ वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। आप कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हो, राउंड में भी आप कर सकते हो। ये ब्रोकली है, इसका हमने फ्लोरेट्स लेना है और डंठल भी थोड़ा सा ले लेते हैं, बहुत ज्यादा हम नहीं लेंगे।
आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल कम या ज्यादा कर सकते हो। इसमें आप कैरेट ले सकते हो या फिर कॉर्न ले सकते हो, जो बॉईल करके हम थोड़ा सा बॉईल करके बेबी कॉर्न हम अमेरिकन कॉर्न ले सकते हैं। मशरूम भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से, अपने आपको जो अच्छा लगे और घर में अवेलेबल हो वो वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। वेजिटेबल और ये रागी, ये मिलाकर एक हेल्दी सूप हो जाएगा और ये टमी फिलर तो है ही पर फुल मील भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के हमने बटर डाला है तो फैट आ गई, वेजिटेबल्स आ गए तो मिनरल्स आ गया, और मिलेट लिया है हमने तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स आयरन कैल्शियम ये सभी आ जाते हैं। तो हम एक बाउल ये सूप ले लेते हैं तो हमारा डिनर हो जाता है। ये चॉप किया हुआ जिंजर है, ये मैं एक टीस्पून जितना ले रही हूँ, या आप हाफ इंच का जो पीस आता है इसे चॉप करके ले सकते हो। थोड़ा सा दो या थ्री कॉर्नर्स जितना हमने अनियन गार्लिक लिया हुआ है। आगे हम ग्रीन गार्लिक भी लेने वाले हैं तो मैंने ज्यादा नहीं लिया है, आप अपने हिसाब से आपको अच्छा लगता हो तो आप ज्यादा भी ले सकते हो। अब मैं दो टेबलस्पून रागी का आटा ले रही हूँ, इसे नाचनी भी कहते हैं या फिंगर मिलेट्स कहते हैं। ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है हमारे शरीर के लिए, इसमें कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, हमारी हड्डियों को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। तो हमें ये लेडीज को और बच्चों को सभी को ये कंज्यूम करना ही चाहिए एक या दूसरे प्रकार से। रागी से हम कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, जैसे मैंने आज सूप बनाया है, ऐसे आप रागी के स्वीट बना सकते हो, उपमा भी बना सकते हो, कई तरह के हम इसके यूजेस अपने अपनी रेसिपीज में कर सकते हैं। ये हमारा रागी का आटा कुक हो गया है तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। ये बहुत ही झटपट हो जाने वाली रेसिपी है, अच्छा बहुत अच्छा सूप इससे बनता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और ये अपने आप में ही इतना अच्छा और गाढ़ा बन जाता है तो कोई भी एक्स्ट्रा हमें कॉर्नफ्लोर वगैरह लेने की इसमें जरूरत नहीं रहती। ये बहुत अच्छा बाइंडिंग भी देता है सूप में। अब हम इसे एक उबाल आने तक गर्म कर रहे हैं और इसके बीच में हम ये वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा वेजिटेबल्स ले सकते हो। इसे जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आती है। ये बच्चे को, बूढ़े को, एजेड लोग या हम कोई भी एज के लोग इसे बहुत अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये कुछ ग्रीन गार्लिक मैं अभी डाल रही हूँ और कुछ मैं बाद में डालूंगी, इससे क्या होगा हमारा क्रंच रहेगा बाद में डालने से। ये ग्रीन अनियन है, ये भी मैं एक टीस्पून जितनी अभी डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर आएगी और बाद में हम डालेंगे तो क्रंची रहेगा, मुंह में क्रंच आएगा तो अच्छा रहेगा।
ये मैंने पिंक सॉल्ट लिया हुआ है। पिंक सॉल्ट भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। इसे हमेशा व्हाइट सॉल्ट के अलावा व्हाइट सॉल्ट के बदले में इसे कंज्यूम करना चाहिए। ये कुछ पेपर पाउडर है, इससे हमारा तीखापन आएगा और सूप में एक बैलेंस आ जाएगा टेस्ट का। इसके अलावा हम लेमन जूस भी बाद में डालने वाले हैं। इसमें ज्यादा कुछ स्पाइसी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सूप बहुत अच्छा लगता है। इसमें कुछ ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप इसमें ग्रीन चिलीज डाल सकते हो, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसे डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाढ़ा होने लगा है थोड़ा, हमारा वेजिटेबल्स थोड़ा कुक हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ज्यादा नहीं, थोड़ा क्रंची रखेंगे लेकिन थोड़ा हम कुक करेंगे। सर्दियों में डैंड्रफ हो जाता है तो डैंड्रफ के लिए भी रागी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में सुखम या कफ कोल्ड हो जाए, पित्त का संबंध भी रागी से होता है। श्वास के जो दर्दी वो होते हैं, श्वास के संबंधी जो भी डिसीज है, इसमें भी ये बहुत लाभकारक होता है। तो हमें रागी का सेवन करना ही चाहिए। बहुत अच्छा ये मिलेट है। आप डाइट कर रहे हो तो डाइट में भी ये ले सकते हो। इसमें कैलोरीज की मात्रा बहुत कम है और इसमें हमने वेजिटेबल्स भी डाले हुए हैं तो टमी फिलिंग भी हो जाएगा और हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज्यादा है तो इसे हमें कंज्यूम करना ही चाहिए। थोड़ा पानी में और डाल देती हूँ, वेजिटेबल हमारा थोड़ा कुक हो जाए। रागी का सूप के अलावा हम इसकी राब भी बना सकते हैं। मॉर्निंग में हम इसे गूंद की राब की तरह ले सकते हैं तो इससे भी हमारा बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा और रागी का हमें एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम इसे साइड में कुक होने देते हैं। इसके साथ में हम ब्रूसेटा लेंगे तो ब्रूसेटा के लिए आइए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने टोमेटो लिया है। आज हम टोमेटो और बेसिल का ब्रूसेटा बनाने वाले हैं तो ये भी एक बहुत हेल्दी वर्जन है। इसमें हम पेपर पाउडर लेंगे, सॉल्ट लेंगे, इसमें भी मैं पिंक सॉल्ट ही ले रही हूँ, और ये इटालियन सीजनिंग लेंगे, और ये अमूल की डाइस जो मोजरेला चीज आती है ये हम लेंगे। पहले हम ब्रूसेटा, ये ब्रूसेटा है मेरा गार्लिक फ्लेवर वाला है तो इसे हम थोड़ा टोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा बटर लगा के हम थोड़ा क्रंच आ जाए इतना हम टोस्ट करेंगे। ये अमूल का बटर मैंने लिया है। आप इसके अलावा आप हेल्दी वर्जन करना चाहते हो तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो।
बहुत ज्यादा नहीं, हम थोड़ा सा लेंगे, तो इससे हमारा थोड़ा क्रंची फ्लेवर आ जाएगी प्रोसेटा में, तो ये अच्छा रहेगा। आज मैंने टोमेटो बेजिल लिया है, आप टॉपिंग में कोई भी ले सकते हो, वेजिटेबल्स भी ले सकते हो या कोई भी जो मग या चना या कोई भी स्प्राउट्स आता है इसका भी आप इस्तेमाल करके टॉपिंग बना सकते हो। टोमेटोज को हम कट कर लेते हैं। छोटे छोटे पीस में हम कट कर लेते हैं। बेसिल भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होती है, सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। हमारा सूप देखिए गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा चिली सॉस डाल रहे हैं। हम मैंने ग्रीन लिया है, आप ग्रीन के अलावा रेड चिली सॉस भी ले सकते हो। अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। इसे हम फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ, फिर हम इसका सर्विंग करेंगे। आइए अब ब्रुसेटा की ओर चलते हैं। थोड़ा हमारा क्रंची हो गया है, थोड़ा ज्यादा होने देते हैं। कोई भी क्वेरी किसी को हो तो आप हमें बता सकते हो। मेरी यूट्यूब चैनल भी है पूर्णा किचन, तो इसमें जाकर भी आप रेसिपीज देख सकते हो या मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी रेसिपीज इसमें मैंने हेल्दी रेसिपीज भी डाली हुई है, और हर फ्राइडे को भी मैं एक रेसिपी लेकर आती हूँ, तो आप जरूर इसे ट्राई करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको कोई रेसिपी सीखनी हो तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हम आपके हिसाब से रेसिपी लेकर आएंगे। ये बेसिल है, इसे हमने चॉप नहीं करना है, ऐसे ही हाथ से हमें तोड़ देना है। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, तो रेसिपी में हमें जरूर इसे इंक्लूड करना चाहिए। और इसके बेनिफिट्स भी बहुत है, सर्दियों में इसे कंज्यूम करना ही चाहिए। इससे भी हमारे कफ और कोल्ड में राहत हमें मिलती है। इसमें हम
सॉल्ट ले रहे हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि हम बटर भी लेने वाले हैं तो हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है। पेपर पाउडर, थोड़ा इटालियन सीजनिंग ले रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए थोड़ा हमारा ब्रुसेटा क्रंची हो गया है थोड़ा। अभी हम दूसरी ओर कर रहे हैं। अब हम अमूल की मोजरेला डाई चीज है ये हम अप्लाई करेंगे। ये बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी अमेजिंग होता है। ये डाइज होता है तो हमें कट करने की जरूरत नहीं रहती। थोड़ा कवर करके हम इसे मेल्ट होने देते हैं। ये थोड़ी मैं लेमन जेस्ट ले रही हूँ, इसका पीला पार्ट ही हमें लेना है। सूप में इसे डालने से इसकी फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाती है और बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। थोड़ा गार्लिक भी हम इसमें डाल देते हैं तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी। गार्लिक ब्रेड तो हमने ली है लेकिन गार्लिक डालने से जो मुंह में चंक्स आएगा ना, तो इससे भी हमारे टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। ये फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। हमारा ब्रुसेटा हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग है।
से हम थोड़ा सीजनिंग कर देते हैं, इटालियन सीजनिंग है। ये भी आप बहुत अच्छी तरह से ले सकते हो क्योंकि इसमें कोई भी ज्यादा फैट वाली चीज नहीं है। आप चीज को भी अवॉइड कर सकते हो या पनीर का यूज भी इसमें कर सकते हो। अमूल का पनीर लेकर थोड़ा सा दूध डाल के थोड़ा सॉल्ट डाल के आप मिक्सी में क्रश करके इसका बेस बना के डिप की तरह भी इसे ले सकते हो। तो ये हमारा ब्रुसेटा हो गया। आइए अब हम सूप की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा लेमन डाल देते हैं। लेमन हमें बाद में ही डालना है, गर्म हम गैस पर से ले लेते हैं या स्विच ऑफ करके ही हमें लेमन डालना है, वरना इसका खट्टापन, इसका विटामिन सी, हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो हमें ये याद रखना है कि हमें हमेशा लेमन को स्विच ऑफ करके ही डालना है। ये लेमन जेस्ट है, ये हम थोड़ी सी ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर देता है। ऊपर से हम ये ग्रीन अनियन, ग्रीन गार्लिक है ये, और ये ग्रीन अनियन है, इसका क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारा रागी का सूप है। दिखने में भी कितना अच्छा लगता है और इसके टेस्ट, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बेनिफिट तो सबसे अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल ये सूप है। इसे विंटर में जरूर ट्राई करना। सूप के साथ ये ब्रुसेटा ले लेते हो तो हमारा डिनर कंप्लीट हो जाता है और ज्यादा कैलोरीज भी हमें नहीं मिलती। तो आशा रखती हूँ आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अमूल की सभी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो आप सब मेरे साथ जुड़े हो आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नेक्स्ट टाइम जरूर एक अच्छी रेसिपी लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैप्पी कुकिंग।